दोस्तों क्रिकेटर शाहरुख खान अभी काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के फाइनल मुकाबले में शाहरुख खान ने तमिलनाडु को अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर जीत दिलाई। कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तमिलनाडु को आखिरी बॉल पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और शाहरुख खान ने छक्का लगा दिया। शाहरुख खान के ऐसा करने के पीछे MS धोनी का हाथ भी है, इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया है। आपको बता दें, कर्नाटक के तमिलनाडु को जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य दिया था और वे जब बैटिंग के लिए आए तब तमिलनाडु टीम को 28 गेंद में 57 रन की दरकार थी। दूसरे बल्लेबाजों को जिस पिच पर रन बनाने में जोर आया, लेकिन शाहरुख खान ने शांत रहते हुए बैटिंग की और स्कोर को नजदीक लेकर गए। तमिलनाडु को अब आखिरी 7 गेंद पर जीत के लिए 22 रन चाहिए थे, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रखने के बजाय शाहरुख खान ने छक्का लगाया। इससे आखिरी ओवर में 16 रन की दरकार ही रह गई। इसके बाद अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे, तब शाहरुख ने इस आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। बता दें कि शाहरुख खान के इस छक्के के साथ कर्नाटक का ट्रॉफी जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। वहीं तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मैच में शाहरुख ने 15 गेंद में 1 चौके और 3 छक्कों से नबाद 33 रन बनाए। आपको बता दें, शाहरुख खान IPL में पिछले सीजन पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे। वही दोस्तों, मैच के बाद शाहरुख खान ने बताया, वे धोनी की वजह से ऐसे पारी खेल पाते हैं और उन्हीं की वजह से ही आखिरी गेंद पर छक्का मार पाए। शाहरुख ने धोनी के बारे में बोलते हुए कहा, धोनी ने मुझे फिनिशर के रोल के बारे में साफ समझाया था। धोनी ने मुझसे कहा था, जो भी तुम करते हो उस पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि उस समय तुम अच्छे से हालात को जज कर सकते हो और केवल तुम्हें ही पता है कि लक्ष्य का पीछा करते हुए तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और धोनी की यही बातें मुझे याद रही, मैंने आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारी।